स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना चैनल में। और आज का टॉपिक में दोस्तों बात करेंगे डाइनिंग रूम, ठीक है, जिसे हम भोजन कक्ष भी कहते हैं। जब आप अपना घर बनाते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना होता है, जो कि अपना डाइनिंग रूम भोजन कक्ष को लेकर किस तरीके का रिक्वायरमेंट है जो आप अपना बिल्डिंग में आपको करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डाइनिंग रूम आपका वो रूम है, वो भोजन कक्ष है जहाँ पर हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। तो आपका डाइनिंग रूम जो है साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है हमारा और आपका जीवन का एक मुख्य जरूरी चीज़ है। सो इसीलिए आपका डाइनिंग रूम भोजन कक्ष का वातावरण साफ होना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं कि आपका भोजन कक्ष किचन रूम रसोई कक्ष से बिल्कुल नज़दीकी होना चाहिए। और आमतौर पर डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम, जिसे हम लिविंग रूम कहते हैं, एक साथ ही बनाते हैं, जो कि आपको जैसे इच्छा और अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं, जो कि आप पर निर्भर है। बात कर लेते हैं अब साइज को लेकर। तो आकार में अगर आप 10 फीट बाय 12 फीट साइज का बनाते हैं तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि आपको बहुत आसान हो जाता है। कब, जब जैसे कि गेस्ट हो गया, पाहुना अगर आ गए, ठीक है, या फिर आपको फैमिली गेट टुगेदर करना है, तो ऐसी जगह पर आपको डाइनिंग रूम आपको सर्व कर लेता है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आपका डाइनिंग रूम में एक अलमारी, जिसे कपबोर्ड कहा जाता है, वो भी होना ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि आप अपना बर्तन हो गया, जितना भी भाड़ा है वो आदि आप वहाँ पर रख सकते हैं स्टोर करके, ठीक है। और दोस्तों जहाँ खाना भोजन करने का स्थान हो वहाँ पर आपको मच्छरों मक्खियों से भी सावधानी बरतनी है। इसके लिए आप दरवाजे खिड़कियों में जालेदार दरवाज़ा लगा सकते हैं, जिससे मक्खी आदि डाइनिंग रूम भोजन कक्ष से दूर रहेगा और आपकी स्वास्थ्य को बचाव रहेगा। और भी फैसिलिटी रिक्वायरमेंट आपका डाइनिंग रूम में होना चाहिए, जैसे कि लाइटनिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, और आपका रूम का फ्लोर, जिसे हम फर्श कहते हैं। तो फर्श में किस तरीके का टाइल्स लगाना है या फिर मार्बल लगाना है, तो आप टाइल्स या मार्बल लगाते हैं तो आपको ध्यान कलर को लेकर देना है, कि आप ऐसे कलर का ज़रूर आप अपना डाइनिंग रूम में लगाएं जिससे कुछ गिरने पर गंदी नज़र ना आए। सो दोस्तों ये था रिक्वायरमेंट जो कि आपको डाइनिंग रूम, जब भी आप भोजन कक्ष अपने घर में बनाते हैं तो आपको ये सब चीज़ों को लेकर आपको सोचकर आपको बनाना है, जिससे आपका डाइनिंग रूम का जो भी रिक्वायरमेंट है आप फुलफिल कर सकते हैं और आपका डाइनिंग रूम से जो सर्व रहेगा आपको ज़िंदगी भर, वो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।